भजन संतों के संग। माँ के हाथ से बने बिलोने के घी जैसा स्वादिष्ट व सेहतमंद पतंजलि गाय का देसी घी खाइए, अपने परिवार को मिलावट के जहर से बचाइए। डॉक्टर सुनील करपे जी के सानिध्य में साईं बाबा की महिमा को आत्मसात कर आध्यात्मिक जीवन जीने की कला सीखें। देखिए साई वाणी आस्था भजन पर प्रतिदिन प्रातः 7:20 बजे, आस्था पर प्रत्येक रविवार प्रातः 8:20 बजे। संपर्क सूत्र 9604050607। नमस्कार मेरे प्रिय आत्मन, मैं साईवानी में आप सबका स्वागत करता हूँ। और प्रारंभ करो, जारी रखो, इसी विचारधारा से हमने साईवानी को प्रारंभ किया। देश विदेश की जगत में हम जुड़े और आज हम बहुत आगे जा चुके हैं। साई बाबा की एक बहुत भव्य ऐसे स्मृति की स्थापना हो चुकी है। बाबा वहाँ हमारे लिए मार्गदर्शक है और हम सबके प्रेरणा स्थान है। हमें उन्हें शक्ति देते हैं कि एक धारा है और वो है ध्यान और क्रिया। साई ध्यान से हम जुड़ चुके हैं और साई क्रिया से हम बहुत महत्वपूर्ण जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं। कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन तो जुड़ जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए। और यही संकल्प को हमने मद्देनज़र रखते हुए जीवन में क्रांति की बदलाव किया और इसी कार्य से हम जुड़े रहे। भाई और बहनों, मैं विश्वास देना चाहता हूँ, आज खासकर मैं एक बात पर यहाँ अड़िग रहूँगा कि मुझे पूरे विश्व में जो साई का प्रचार करना है, उस प्रचार के लिए आशीर्वाद ही सबसे बड़े साधना है। और मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये साधना हमारे भक्ति की साधना है, शक्ति की साधना है, विचारों की साधना है और कुछ कार्य करने की साधना है। बहुत ऐसी बातें हैं जो कहना रह गया, लेकिन आज मैं इन सब का जिक्र करूँगा। सबसे पहले अपने जीवन में साई बाबा का आशीर्वाद कैसे प्राप्त करना है, मैं आज का प्रश्न आपको कहना चाहता हूँ कि जीवन की निजी समस्याओं को आप अपने जीवन में बहुत पहले उसको लिख लो। एक कागज़ और पेन लेके उसमें लिखो कि आप कौन कौन सी समस्या से जूझ रहे हैं और वो समस्या साई के दरबार में रखो। मुझे फ़ोन करके मेरे साथ वार्तालाप करो, मेरी पूरी टीम आपको मार्गदर्शन करने के लिए तैयार है। लेकिन हम इतना चाहते हैं कि एक एक माध्यम से आज हम साई के जीवन की जो गाथा है, जो साई का चरित्र है, जो हमारे जीवन के चरित्र से जुड़ा है और उसको जुड़ने के लिए जब साईं बाबा अपने भक्तों को आशीर्वाद देना चाहते हैं तो वो कौन से मार्ग से देना चाहते हैं, कैसे देना चाहते हैं, इसी के वार्तालाप के साथ साथ मैं उनका चरित्र प्रारंभ करने से पहले आज मैं उनका सबसे पहला संदेशा, जो कभी किसी को पता नहीं कि बाबा कहाँ जन्मे हैं, बाबा जो नीम के पेड़ के नीचे प्रकट हुए और उन्होंने मार्गदर्शन करना शुरू किया बायजा माँ से लेकर महासापति तक सबको जैसे मार्गदर्शन किया, आज भी बाबा है और बाबा का अस्तित्व समाधि में है और हम सबके विचारों में है। मुझे जो ज्ञान प्राप्त हुआ है वो मैं आपको सबके साथ बांटने के लिए साई के आशीर्वाद से तैयार हूँ। भाई और बहनों, ये सूत्र है, मैं जो सूत्र बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही अहम सूत्र है और उसका पहला कड़ी है कि हमारे जीवन में हमारा लक्ष्य तय करना। दूसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है कि उसके लिए ध्यान के माध्यम से साई क्रिया को प्रारंभ करना। ये क्रिया है, एक स्टेप है जीवन की, जो हमें हमारे जीवन में आत्मसात करनी चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं, सुनील जी आप कहानियां कहते हो बहुत अच्छा लगता है। मैं कहानियां अच्छा लगने के लिए जरूर कहता हूं, लेकिन उसे बोध लेना मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हर कहानी से बोध लीजिएगा। बहुत सारी कहानियां मैंने कही है पिछले लगातार 4 महीने से। मैं साईं वाणी को आस्था चैनल से और हजारों करोड़ों लोगों को जाके मैं संबोधन कर रहा हूं, मार्गदर्शन करने का प्रयास कर रहा हूं। लेकिन भाई और बहनों, मुझे आप सबसे आज विनती करनी है कि आपको अपने निजी जीवन में साई वाणी, साई क्रिया और साई ध्यान का प्रारंभ करना है। इस पंचसूत्री के माध्यम से शिक्षा, आरोग्य, रोटी, कपड़ा, मकान, इस भूमिका के प्रति आपको सजग रहना है और साई बाबा के अपने घरों में, अपने गांव में, अपने कुनबे में, अपने मोहल्ले में, अपने शहर में, अपने राज्य में, अपने देश में शाखाएं शुरू करनी है, जिससे हम सब मिले और देश के कार्य को जुड़ जाए।
अपने जीवन में वो क्रांति करे। साईं बाबा का आशीर्वाद ही सबसे बड़ा आशीर्वाद है और अन्नदान ही उन्होंने जब कहा, मैं तो शिक्षा और आरोग्य के प्रति बहुत बड़ा कटिबद्धता के साथ कहना चाहता हूं, मैं छोटी सी कहानी कहना चाहता हूं, इस कहानी का बोध आप ले और उसके बाद हम जीवन को कैसे आगे चले जाना चाहिए इसका मैं एक छोटा सा आपको पर्व कहने जा रहा हूं। बहुत सारे महापुरुषों ने अपने अपने जीवन में अपनी राय दी है, अपने अपने जीवन में अपने बारे में जो कहा है वो बहुत अच्छा कहा है। भगवद गीता का सबसे महत्वपूर्ण अगर हम चिंतन करेंगे तो अर्जुन जब अपने जीवन में बहुत थक चुका था और सामने वाले सब अपने मेहमान, अपने भाई भतीजे चाचा चाची सबको देखा तो उसको लड़ने की मनीषा चली गई। आज के जीवन में, अपने ही जीवन में हम जब जीना चाहते हैं तो बहुत सारी समस्या से उलझ पड़ते हैं और हम जिंदगी को जीने में बहुत ही नाकामयाब होने का प्रयास करते हैं, थक जाते हैं, रुक जाते हैं, हार जाते हैं। साईं बाबा अपने भक्तों को पहला संदेशा देना चाहते हैं कि हरो मत, उठो जागो और तब तक रुको मत जब तक आप अपनी मंजिल को पा नहीं लेते। क्या है सबसे महत्वपूर्ण चीज, कौन सी चीज सबसे महत्वपूर्ण है, कैसी चीज होनी चाहिए अपने जीवन में? भाई और बहनों, क्रांति करनी चाहिए और वो विचारों की क्रांति है, भक्ति की क्रांति है, शक्ति की क्रांति है। और हमारे जीवन में कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं, मन चाहिए, साधन तो जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए। ये संकल्प का की दृढ़ता है। साईवानी trust.org के माध्यम से आपको कुछ नहीं करना है, हमारे इस बहुत बड़े अंतरराष्ट्रीय स्तर के प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी कला, अपना व्यवसाय, अपना प्रोडक्ट, अगर व्यापारी भाई बहन जुड़ रहे तो मैं उनको इतना ही कहूंगा, जो भी आप व्यापार विनिमय करते हो उससे वेबसाइट से जोड़ने का प्रयास करना है। आज मैं निजी तौर पर ज्यादा आध्यात्मिक बात आज नहीं करूंगा, आज मैं ये पूरे एपिसोड में मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि शिक्षा को कैसे जोड़ना चाहिए, टीचर का मतलब क्या होता है अपने जीवन में, एक मैं मार्गदर्शक की भूमिका, गुरु तो मैंने खुद नहीं कहूंगा लेकिन अगर आपको कभी मेरा शब्द उस तौर पर लगे तो जरूर लेना, क्योंकि मैंने बहुत प्रयास किया है। बाबा ने जब मुझे एनलाइटमेंट में आशीर्वाद दिया और उनकी भक्ति और उनकी शक्ति के साथ मैं जब लीन हो गया तो उन्होंने मुझे जीवन के बारे में जीने की कला सिखाई। अध्यात्म के तौर पर अपने जीवन में बदलाव कैसे लाना है इसकी क्रांति कही, और इसलिए मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये बात आप शांति से सुनिए। वो आए और आकर चले गए, मौन रहे और कुछ कह गए, जो था कुछ था, जो बिन बाटे ही बट गया, जल उठे दिए और अंधेरा झट गया। अपने जीवन में हमें तय करना है, लक्ष्य तय करने हैं। माता पिता शास्त्र एवं गुरुजनों का आदर करने वाला चिर आदरणीय बन जाता है, ये बातें सिर्फ कहने के लिए नहीं तो अपने जीवन में आजमाने के लिए है। हमें हमारे जीवन में वो शक्ति आजमाना है, वो भक्ति आजमानी है। और साई के जीवन में अपने साई बाबा ने जो आशीर्वाद दिया अपने भक्तों को वो मैं कहना चाहता हूं, आप उठो जागो और लक्ष्य को तय करो। मैं सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज आज जो आज से मतलब कल सुबह से साईवानी से साईवानी का योग सूत्र से जो संबंध है, साई ध्यानी थे, साई बाबा ने धुनी जला के सबको संदेश दिया, ये धुनी क्रांति की धुनी है। अपने जीवन में प्रारंभ करो और जारी रखो। शिरडी में जब भी आप प्रवेश करोगे आपको लोग कहेंगे बाबा ने जो हाथ से जलाई हुई धुनी आज भी वो जलती है, और वहां से हम जो बाबा का प्रसाद लेते हैं वो शक्ति और भक्ति का प्रसाद है। लेकिन भाई और बहनों, वो धुनी का मतलब है अपने जीवन में अग्नि को महत्व दो, और वो अग्नि होता है ज्वाला, विचारों की शक्ति की, प्रेरणा की, इंस्पिरेशन की, ताकत की, भविष्य में कुछ करने की जो ज्वाला है, जो भक्ति है, जो शक्ति है, वो बाबा ने धुनी के माध्यम से जलाई है। गौर गरीबों की सेवा बाबा ने की है, आप भी करो, गरीब के लिए मदद करो, जिसको जरूरत है उसको ज्ञान दो और उसको आगे लेके जाओ। जो बंदे को सच में खाना नहीं मिल रहा है, 140 करोड़ का देश है हमारा, हजारों करोड़ लोग आज भी भूखे मर रहे हैं और उससे ज्यादा खाना हम फेंक रहे हैं। मैं अध्यात्म की इस व्यासपीठ से आज कहना चाहता हूं, साई वाणी के माध्यम से जो साई प्रसाद, साई खिचड़ी जो हमने लॉन्च की है, वो खिचड़ी है सबको प्रेरणा देने के लिए। ये भक्ति वाली खिचड़ी है, शक्ति वाली खिचड़ी है, क्रांति वाली खिचड़ी है, और साईं बाबा ने दी हुई प्रसाद की खिचड़ी है, आपको उन गरीबों को पहुंचानी है। बहुत सारे आदिवासी स्कूल है, बहुत सारे आज ग्रंथालय है, बहुत सारे ऐसे
अन्न छात्रालय है, वहां हमारी साई खिचड़िया भी जाएगी। आपके सहयोग की, प्रेम की, प्यार की और समर्पण की जरूरत है। तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण है, बाबा अपने भक्तों को सुबह जल्दी काकड़ आरती उठाने का प्रयास करते हैं। जो सुबह जल्दी उठेगा वो रात को जल्दी सोएगा, और सुबह उठने का, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का आनंद ही अलग है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद साई क्रिया को प्रारंभ करो, और साई क्रिया की 9 क्रियाएं, जो सबसे पहले है ध्यान प्राणायाम, दूसरी है कपाल भाती, तीसरी है अनुलोम विलोम, चौथी है भ्रामरी, पांचवी है उज्जयी, छठवी है सबसे महत्वपूर्ण है जो मैं कहना चाहता हूं, उद्गीत प्राणायाम। जो हम हमारी शक्ति को बाहर फेंकते हैं, नेगेटिव एनर्जी को बाहर फेंकते हैं और पॉजिटिव एनर्जी को अंदर लेते हैं, उसे शक्ति क्रिएट होती है, क्रांति करते हैं हम। और इसीलिए साई वाणी को प्रारंभ किया है। मैं अलग अलग जगहों पर अभी शिविरों के लिए जा रहा हूं, लोग आ रहे, जुड़ रहे और गले लग रहे और कह रहे, सुनील जी हमें बहुत प्रेरणा मिल रही है। प्रेरणा तो साई बाबा दे रहे हैं, शिरडी के साई बाबा का आशीर्वाद एक बार मिल गया आपको कोई नहीं रोक सकता। मैं सिर्फ एक बात यहां दिल ठोक के, छाती ठोक के कहना चाहता हूं, उठो और साई क्रिया को प्रारंभ करो। आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है ध्यान। ये ध्यान की एक शक्ति है, वो शक्ति इतनी प्रेरणादायक शक्ति है, आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई कभी नहीं रोक सकता। मैं छोटी सी कहानी कहना चाहता हूं। एक बार एक इंसान पूरी तरह से थका हुआ लकड़ी का बोझ लेके चलता है, और वही से राजा की सवारी होती है। राजा सवारी करते देखता है तो देखता है अपने राज्य का एक घोड़ा, बहुत बुरा इंसान, बहुत बड़ी लकड़ी का बोझ लेके चल रहा है और उसको चलना नहीं हो रहा है। राजा रुकता है और राजा कहता है, आप आइए, आप बुजुर्ग है, मेरे राज्य के हैं, राजा अच्छा इंसान होता है, आप मेरे रथ में बैठिए, मैं आपको जहां जाना है वहां छोड़ देता हूं, मैं भी उसी तरफ से जा रहा हूं। वो बूढ़ा इंसान बहुत खुश हो जाता है और राजा के रथ में बैठ जाता है, लेकिन अपने सर पे ली हुई वो बोरिया जो लकड़ी होती है वो वैसे ही सर पे रखता है। राजा कहता है, आप इतने अभी आराम से बैठिए मेरे रथ में, आप सर पे क्यों लेके बैठे हो? वो बूढ़ा इंसान कहता है, राजा आप इतने दयालु हैं, इतने महान हैं, आपने मुझे रथ पे जगह दी, यही मेरा सम्मान है, मैं मेरा बोझ तो रथ पे डाल चुका हूं, मैं लकड़ी का क्यों डालू? तो राजा उसको कहता है, आप पागल है, अरे आप रथ में बैठ गए मतलब आपका लकड़ी का बोझ भी रथ पे आ गया, आप इसकी चिंता क्यों कर रहे हो? आप सब कुछ छोड़ दो रथ पे, अभी आपको मैं जहां जाना चाहते हो वहां पहुंचाना चाहता हो, आप बोझ लेके क्यों घूमे हो? जैसे ही राजा ऐसे कहता है, राजा हर दिन चिंतित होता है कि मेरा राज्य का कैसे होगा, मेरे लोगों का कैसे होगा, मेरे राज्य में क्या क्या आएगा, सबकी ख्याल होगा क्या नहीं होगा, राज्य अच्छा चलेगा क्या नहीं चलेगा, लेकिन नहीं चलता है। राजा बहुत टेंशन में, समस्या में, बहुत सारी चीजों से घिरा रहता था, और अचानक अचानक वो कहानी से वो बूढ़ा हंसने लगता है और कहता है, राजा तेरे रथ पे मैं बैठ गया, मुझे पता है मेरा भी बोझ और लकड़ी का भी बोझ रथ पे आ गया, लेकिन तू क्या कर रहा है, तू क्यों चिंता लेके घूम रहा है, तुझे क्या लगता है? हम भी चिंता लेते हैं, इंसान हो, औरत हो, बहन हो, भाई हो, मित्र हो, व्यापारी हो, विद्यार्थी हो, शिक्षक हो, जो भी है आज चिंता करके जी रहा है। हर चीज भगवान ने आपको जन्म दिया है वो सब चिंताएं ले लेंगे, आप क्यों चिंतित हो रहे हो, आप क्यों परेशान हो रहे हो? साईं बाबा अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं, भाई और बहनों श्रद्धा रखो, सबूरी के साथ अपने जीवन में एक लक्ष्य पकड़ के उसके ऊपर चलो, पहुंच जाओगे आप, आपको कोई नहीं रोक सकता, कभी कोई नहीं रोक सकता। आपको सिर्फ एक चीज पे ध्यान देना है, सिर्फ और सिर्फ बाबा के ऊपर बोझ डाल के अच्छे कर्म करके सत्य के मार्ग पर चलना पड़ेगा। ये राह है, ये जीवन की राह है, ये प्रेरणा है, ये इंस्पिरेशन है, जीवन का लक्ष्य है, और कुछ कर गुजरने के लिए क्रांति है। ये क्रांति जीवन की क्रांति है, ये भक्ति की क्रांति है, शक्ति की क्रांति है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, आप थोड़ा समझदारी से समझिएगा, मैं आज एक विषय पे बहुत आगे की बात करने जा रहा हूं। ये क्रांति आप क्यों करना चाहते हो, ये भक्ति आप क्यों करना चाहते हो? अपने जीवन में तीसरा और महत्वपूर्ण है प्राणायाम, और उसके बाद ध्यान, और उसके साथ थोड़ी सी एक्सरसाइज। अपने शरीर को, ये शरीर जो है ना, ये कार्य करने के लिए बना है। बहुत सारे लोग आलसी बन चुके हैं, और आलस सबसे बड़ा शत्रु है।
मैं आज विनती करूंगा सबको, 7:20 में आस्था भजन पे साईवाणी शुरू होती है, 7 बजे आपको रेडी रहना है साईवाणी सुनने के लिए। YouTube पे आप सुनते हो बड़ी खुशी की बात है, लेकिन मैं चाहता हूं आस्था भजन पे आप सुने। पूरे विश्व से लोग जुड़े हैं योग के माध्यम से, मैं जुड़ा हूं ध्यान के माध्यम से, योग मेडिटेशन के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से, और मैं चाहता हूं साई क्रिया और साई ध्यान आपके जीवन में क्रांति लाएगी। पुणे के इस महत्वपूर्ण सेंटर में मैं कार्य करना चाहता हूं। यह कार्य भक्ति का कार्य है, यह कार्य शक्ति का कार्य है, यह कार्य जीवन में कुछ करने वाला कार्य है। और इसीलिए मैं आज जो प्रश्न आया है मेरे मित्र, जो पुणे के हमारे खास मित्र है विष्णुदेव राय, डॉक्टर विष्णुदेव राय, ये PhD होल्डर है, उन्होंने डॉक्टरेट की है, और वो मुझे पूछते हैं सुनील जी ध्यान का अनुभव बहुत बिजी अनुभव है, हम कैसे पाएंगे। मैं उनको कहना चाहता हूं डॉक्टर साहब आप बहुत सही पूछ रहे हो, ध्यान का अनुभव एक निजी अनुभव है, लेकिन निजी अनुभव को पाने के लिए पहले हमें उसका स्वाद लेना पड़ेगा। आंधे आदमी को प्रकाश नहीं दिखा सकते हो, जिसको ध्यान का ज्ञान नहीं उसको ध्यान का अनुभव आप क्या दोगे। इसीलिए डॉक्टर साहब मैं सबको आज एक बात कहूंगा, पानी पीने से भूख मतलब प्यास बुझ जाती है, ध्यान करने से ही ध्यान की शक्ति समझ में आएगी। इसीलिए मैं आगे एक बात कहूंगा जो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आज से ध्यान को प्रारंभ करो, और साई वाणी का जो वचन है प्रारंभ करो जारी रखो, इसी विचारधारा के साथ चलो। ध्यान एक निजी अनुभव होते हुए भी सजगता के साथ ध्यान करो, और सिर्फ सांस को ध्यान करने के बाद एक बार सिर्फ सांस की तरफ नजर रखो, आहिस्ता आहिस्ता, एक दिन नहीं होगा, एक दिन में कभी कतई नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। और मैं इसलिए कहना चाहता हूं ये मेडिटेशन की शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति है, साई ध्यान और साई क्रिया के माध्यम से आपको जुड़ने की शक्ति है। ये शक्तियां ऐसे क्यों आती है, ये शक्तियां कहीं बाहर से लानी है क्या, ये शक्तियों को पाने के लिए कोई विशेष लोग ही कर सकते हैं क्या, ये शक्तियां सब उसी महान व्यक्ति को ही प्राप्त होती है क्या? नहीं, हम मनुष्य जन्म में आए ना, इससे अच्छी चीज और कुछ हो ही नहीं सकती। इस मनुष्य जन्म में आना मतलब हमने 10 सीढ़ी पार कर चुकी है, आगे की सिर्फ 5 सीढ़ियां पार करनी है। मतलब क्या करना है, काम, क्रोध, मद, मत्सर, लोभ, अहंकार, इन षड़ विकारों से दूर रहना है। हमें क्या है ना, अहंकार बहुत होता है, इगोस्टिक होते हैं हम, इसीलिए इन चीजों को नहीं पा लेते। निसर्ग के साथ, सच्चाई के साथ चलोगे ना, नम्रता के साथ जियोगे ना, प्रसन्न होके चलोगे ना, अच्छे विचार रखोगे ना, दूसरों का बुरा ना हो, अच्छा सबका हो, भगवान मेरा भी अच्छा करे और उनका भी अच्छा करे, यही भाव रखोगे ना, आपको जीवन में कुछ नहीं कम पड़ने वाला है। मैं हमेशा चाहता हूं कि एक भी दुश्मन आपका नहीं होना चाहिए, सब धरती प्यार से जुड़ेगी ना। अहंकार ही दुश्मन का कारण है, वो बड़ा हो गया इसको बुरा लगता है, क्यों लगता है भाई, वो मेहनत कर रहा है, उसका बुरा हो गया तो तुझे बुरा होना चाहिए, ऐसा फिर बुरा होने के बाद तुझे तो हंसी आती है। यही छोटी छोटी विचारधाराएं हैं, आज का महत्वपूर्ण विषय है। बालाजी जी को मैं कहूंगा इसका टाइटल दे दीजिए, ध्यान को कैसे करना है, ध्यान को कैसे करना है, यह आज का जो टाइटल है यह बहुत महत्वपूर्ण टाइटल है। और इसी के लिए मैं कहना चाहता हूं पहले अपने षड विकारों को दूर करने के लिए सोचो, सजगता की तरफ उसकी तरफ देखो, और ध्यान प्राप्त करके जीवन में क्रांति करो। सबसे पहला और महत्वपूर्ण विषय है अपने जीवन में क्रांति करना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और क्रांति विचारों से होती है, क्रांति शक्ति से होती है, क्रांति भक्ति से होती है। लेकिन भक्ति की साधना, विचारों की साधना, ध्यान की साधना, प्रगल्भता की साधना, और अपने जीवन में लक्ष्य रख के उसको पाने की साधना। मैं ध्यान के प्रति और एक बात कहना चाहता हूं, पेड़ देखो आप जमीन में लगाते हो, जो पेड़ बहुत जल्दी उगते हैं वो जल्दी उनकी लाइफ खत्म होती है। पपीता का पेड़ देखा, बहुत जल्दी लगाया, बहुत बड़ा हो गया, खत्म भी हो गया। लेकिन अगर आप नीम का पेड़ देखोगे, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा, बड़ा बनेगा और पीढ़ियों तक, सदियों तक चलेगा। साई बाबा जब थे तब जो पेड़ नीम का पेड़ था आज भी है, 100 साल हो गए वो पेड़ वैसा की वैसा ही है, क्योंकि उसको उगने में टाइम लगा था। जीवन में ध्यान करने को भी समय लगेगा। मेरे पास, मैं जाता हूँ शिविर, बहुत सारे शिविर लेता हूँ, ध्यान की लेता हूँ, क्रिया की लेता हूँ, साई ध्यान की लेता हूँ, साई क्रिया की लेता हूँ। मेरे एक पिछले हफ्ते मेरा एक मित्र आया मेरे शिविर में और कहा सुनील जी मैं 3 दिन से आपके साथ हूँ और शिविर में बहुत अच्छी तरह से क्रिया करने का प्रयास करता हूँ, लेकिन मुझे अभी तक कुछ अनुभव नहीं हुआ। अभी तक अनुभव नहीं हुआ, एक दिन में कैसे होता? अगर इतना आसानी से अनुभव हो जाता तो सब पूरा हिंदुस्तानी और पूरा विश्व ध्यानी बन जाता। भाई और बहनों, पपीता की पेड़ की तरह मत बढ़ो, बढ़ गए और सूख गए, निकल गए,
अस्तित्व भी नहीं रहा, लेकिन नीम के पेड़ के, आम के पेड़ के तरह बढ़ो, पीपल के पेड़ के तरह बढ़ो, बढ़ने में समय लगेगा लेकिन बढ़ोगे तो सदिया पीढ़ी तक रहोगे। इसी को कहते हैं प्रारंभ करो जारी रखो। साई वाणी का यही विचार है, यही लक्ष्य है, यही भक्ति है, और उसी को कहते हैं ओम साई राम। साई बाबा की शक्ति सुनील करपे आज जो प्रयास कर रहा है उसको साथ दो, प्रारंभ करो और जारी रखो। ओम साई राम।